सदर एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में जमा है तमाम अपने दोस्त कैमरा डिपार्टमेंट के। कैमरा डिपार्टमेंट की एक रवायत रही है कि उसने अपने तमाम उन दोस्तों को जिनकी रिटायरमेंट हुई है उनको बड़े खूबसूरत अंदाज में एक बड़े पुरतवाल तरीके से बड़ी चाहत के साथ उनको पाकिस्तान टेलीविजन से विदा किया है। आज हमारी इस महफिल में जनाब रशीद मिर्ज़ा साहब, जनाब जाने आलम साहब और तमाम कैमरा डिपार्टमेंट के सीनियर हजरात पीटीवी होम से तशरीफ़ लाए। मैं मैनेजमेंट में जनाब खालिद मलिक, खालिद लतीफ़ साहब, शाह चीमा साहब और यूनियन के नुमाइंदे के तौर पर सलीम शाह साहब आज हमारी इस महफिल की रौनक बने। मैं इन तमाम हजरात का तह दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी है। एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि जो रवायत कैमरा डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सेट की है कि जिसने खूबसूरत तरीके से जिस अंदाज से ये रुखसत करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाकी लोगों की भी ये चाहत होती है, बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो भी किसी न किसी तरह आखिरी टाइम में कैमरा डिपार्टमेंट के साथ मुनसलिक हों और उनको भी इसी पुरतपाक तरीके से रुखसत किया जाए। तो मैं वंस अगेन आप तमाम हजरात का, अपने तमाम सीनियर का, अपने कैमरा डिपार्टमेंट के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज कमाल काजी साहब को एक खूबसूरत और अहसन तरीके से पुरतपाक तरीके से रुखसत करने में यहाँ पर सम्मत हुए। बहुत शुक्रिया। कैमरा डिपार्टमेंट ने हमेशा जो अपने जाने वाले कोलीग्स हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से फेयरवेल दिया है और आज भी ये अपनी रवायत बरकरार रखे हुए हैं और अपने साथियों को जिस अंदाज से रुखसत किया जाना चाहिए उसी अंदाज से रुखसत कर रहे हैं और ये रीत कैमरा डिपार्टमेंट को जारी और सारी रखनी चाहिए और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत खूबसूरत अपने नाम की तरह कि ये एक कमाल ये है कि ये काजी है और ऊपर से कमाल के काजी है माशाल्लाह। और मिर्ज़ा साहब के साथ इंटर हो रहे थे तो मुझे वो मैट्रिक का याद आया कि उस वक्त हम पेयर ऑफ बर्ड याद किया था, पेयर ऑफ कैमरा मैन जब इंटर हुए तो बड़ा अच्छा लगा जिन्हें पूरी सर्विस इकट्ठी माशाल्लाह दो सेंटरों पर रह के उसके बाद भी आइंदा भी इंशाल्लाह खानदान रखे। ये छोटी सी काविश थी सर आपके एजाज़ में कि बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर सके लेकिन कुछ दोस्तों का मिल मिला के था कि गेट टुगेदर हो जाए, एक अच्छी यादगार किस्म की वो तो बंदे को याद रहती है, बहुत अच्छी कुछ अच्छी यादें होती हैं इसमें। तो मैं मुल्तमिस हूँ हैदरी मुनीर हैदरी साहब से कि वो अल्फाज अपने पहले जनाब जनरल मैनेजर पी टी वी होम हमारा खालिद लतीफ़ साहब, हमारे प्रोग्राम मैनेजर शाह चीमा साहब, हमारे एक्स चीफ जनाब रशीद मिर्ज़ा साहब, हमारे एक्स चीफ जनाब जाने आलम साहब और इस तकलीफ के जो दूल्हा है जनाब जनाब गाजी साहब, सब लोगों को मैं पी टी वी होम के इन साथियों की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। कमाल काजी साहब के साथ वैसे तो यह है कि जब पी टी वी ज्वाइन किया है तो इनके साथ तारुफ रहा लेकिन उस तरह साथ काम करने का मौका नहीं मिला, बस गाहे बगाहे मुलाकातें रहीं, अक्सर मुलाकातें रहीं और शुरू से लेके अब तक जो दिल का तस्वर है ना इनके बारे में बहुत ही अच्छा है। इनको खराज तहसीन बंदा पेश करे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है ना वो सिलेक्ट होता है इतने जहनर में, वो बहुत सारे वो जाविये होते हैं कि एज इतनी हो, लाइफ ऑफ सर्विस इतनी हो और बंदी की सीनियरिटी इतनी हो, थ्री स्टार हो और ये और वो, फिर जाके ना वो इस तरह एक बंदा खुशकिस्मत निकलता है कि वो जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं। सेम हमारे कैमरे की भी एक सीट है वो कंट्रोलर की, उसमें भी ना इतने पैरामीटर बनते हैं कि लाइफ ऑफ सर्विस हो, बंदी की सीनियरिटी हो, ग्रुप नाइन हो और ये सारी चीज़ें जब मैच करें तो उस वक्त बंदा मेंटली और फिज़िकली फिट भी हो और एलिजिबल भी हो इस पोस्ट के लिए। तो काजी साहब माशाल्लाह ऑल पाकिस्तान के जितने कैमरा मैन हैं उनमें से लकीस्ट हैं कि वो इस सीट तक पहुँचे, यही इनका बहुत बड़ा एजाज़ है कि उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया।
जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त तो निसार मिर्जा साहब थे कंट्रोलर, मुझे याद है उनके यहाँ विदाई पार्टी में मैं शरीक किया था। उस वक्त हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि काजी साहब भी कंट्रोलर रिटायर होंगे और इनकी पार्टी में भी शरीक। काजी साहब पिछले उनके कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ से हम आपको दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा खराज हकीकत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। डिपार्टमेंट के लोग जो है ना आपको अच्छे अल्फाज से याद करते थे, पहले भी जब आप कंट्रोलर बने उस वक्त भी अच्छे अल्फाज से याद किया गया, और जब आप अब रिटायर हो रहे हैं तो इंशाल्लाह हमारा सारे साथी आपको उसी तरह प्यार मोहब्बत से अच्छे अल्फाज से याद रखेंगे। मैं सारे डिपार्टमेंट की तरफ से वागो हूँ। कैमरा मैन जो सब कवरेज कर रहे हैं, इनकी खसूसी डिमांड थी कि कुछ लोग सब बोलें थोड़ा थोड़ा, तो मैं मुंतबिस हूँ सलीम शाह साहब से, क्योंकि इनका भी एक साथ रहा है काजी साहब के साथ, तो दो चार अल्फाज। जिस तरह आपने खुद ही कहा था, मुझे भी याद है कि न्यूज़ पे मेरा ऑफिस और कैमरा आमने सामने थे, मेरे तो ये उस्ताद भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मिर्ज़ा साहब बैठे हैं, काजी साहब बैठे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे 86 में जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक़्त से कैमरा, ज़ाहिर है हम बिल्कुल कैमरा के सामने थे, स्टूडियो ही होता था उसमें, तो जो डिपार्टमेंट था ना, ये तो प्रोफेशनल बातें तो बहुत सारी हैं, काजी साहब एक खूबसूरत लड़के होते थे न्यूज़ में ना, मैं आपको ये बात बताता हूँ, थोड़ा है आगे आगे जाने देते ना बात। तो मतलब उस हवाले से भी काफ़ी, और इनका दो तीन चीज़ें जो हमेशा, ये वेल ड्रेस हमेशा पहले दिन से जब से मैंने देखे, और जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना काजी साहब की, देखो प्रोफेशनली वो कंट्रोलों तक पहुँचे, उनको काम आता था इसलिए पहुँचे, ये बड़े मोहब्बत करने मेरे अनुसार किसी का कोई काम हो अगर इनको कहा है, जहाँ तक इनकी पूरी कोशिश है, अपनी एफर्ट्स लगा काम होना होना लग के इख्तियार में, इसीलिए काजी साहब आज। और दूसरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैं अक्सर अपने प्रोग्राम डिपार्टमेंट के साथियों से ये करता हूँ कि यार कैमरे वाले से कुछ सीख लें। असल जो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तक हैं इसलिए कि आपके इस तरह के फंक्शन में हमें पुराने लोगों से मुलाकात हो जाती है, वो फंक्शन पिटबी होम पे हो, बाहर किसी जगह हो, दो चार बंदे आप पुराने ले ही आते हैं, कभी लाहौर से आ जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला कैमरे वालों का ये प्यार और मोहब्बत कायम और दायम रखे। और काई साहब कल आप रिटायर हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप रिटायर नहीं हैं, मैंने तो इसलिए अंदर कहा था, वही यकीन करें पुराना थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, लेकिन उसी तरह का खूबसूरत आदमी, अल्लाह ताला आगे भी आपको खुश और गुरम रखे, तमाम खुशियाँ आपको नसीब। थैंक यू। दो तीन, सबसे पहले तो ये है कि मैं आपकी मोहब्बत कभी इतना पहले भूला ना, बोलता हूँ आप सबका बहुत शुक्रिया याद कर जो मैं का ऐसा भी पूरे सफर में इस तरह मुझे जो रिश्ता या दोस्ती मोहब्बत के साथ नंबर देना चाहूँ तो मैं उस इनके ऊपर किसी को दे नहीं पाता, हर तरह ये नहीं कि यानी हर जगह पे मेरे साथ जहनी तौर दिली तौर यानी हर पहलू से, पहले भी शायद लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि मेरा इस्लामाबाद में आना भी इनके मरहूम में होना प्रैक्टिकली, मैं बिल्कुल मैं इसको इसका इजहार तकरीबन हर जगह पे आप लोगों में पैरों में यानी दोस्ती का भाई का जो रोल है वो आपको एक हौसले का है कि चल यार ये मेरा हाथ है पाँव रख वो पीछे नहीं हटते, तो हमारी मेरी दुआ है कि ये हमेशा हमेशा खुश रहे और खूबसूरत तल्लक जो है वो निभाया है। एक्सलेंट बहुत बढ़िया, खुद भी माशाल्लाह सारी उम्र स्माइली फेस, चाहे जितनी टेंशन हो जहन में जितनी शरारत हो एक्स वाई जेड कुछ भी हो, बहरहाल
हर वक्त ये स्माइलिंग फेस के साथ और एक खूबसूरत ड्रेसिंग के साथ नजर आए हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने पेशो करम रखे। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मलिक खालिद वकील साहब से चंद अल्फाज। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने ये खूबसूरत महफिल। दूसरे नंबर पे ये है कि कैमरा डिपार्टमेंट शुरू से ही मेरा फेवरेट रहा है और यही बातें आपकी इतनी प्यारी हैं कि आप जाने वाले को इतनी इज्जत से रवाना करते हैं। उसमें फिर रिटायर्ड बंदे जैसे मिर्जा साहब आए हैं, जहाने आलम साहब आए हैं, इनको इतनी इज्जत अफजाई दी आपने, सबको एक जगह इकट्ठा किया मिलाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो काजी साहब की शख्सियत पे तो बात करना है हमें सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। सबको पता है कि प्यार की कोई ज़ुबान नहीं होती, प्यार के लिए कोई अल्फाज नहीं होते। तो इन्होंने हमेशा प्यार से ही जो बात भी की, जब भी मिले, जब भी मुलाकात हुई, प्यार ही प्यार था इनकी तरफ। और कभी हमने ना इनको गुस्से में देखा, ना इस तरह इनके अंदर कोई वो चीज़ देखी जिसको हम कहें कि हमें बुरी लगी या कुछ ऐसा हो। तो जो लोग प्यारे होते हैं अल्लाह ताला भी उनसे प्यार करता है। इसी के साथ मैंने इसको तीन लेकर, एक एजुकेशनल, आप एजुकेशन हासिल करते हैं, दूसरा आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं और फिर प्रोफेशनल लाइफ से आप रिटायरमेंट की लाइफ में जाते हैं, तो ये थर्ड स्टेज है। और यही तीन स्टेजेस हैं। मैं जसारत करूँगा, अपनी अप्रोच बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी इस पर अमल करें। बहुत कम टाइम इंसान इन सारी चीज़ों में दे पाता है अपनी लाइफ को। अब आपके पास टाइम आया है कि अपने आप को भी देखते हैं, अपने वो ख्वाहिशात को देखते हैं जो पूरी नहीं कर सकते, वर्ल्ड टूर पे निकले, हज पे निकले, जो करना चाहते हैं अपने आप को टाइम। लोग कहते हैं कि लाइफ ख़त्म हो गई जी, अब तो पता नहीं टाइम हो गया, ये किस काम के। मैं कहता हूँ असल लाइफ शुरू होती है बंदे की रिटायरमेंट के बाद। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, आपको हमसे भी नहीं तो नहीं, लेकिन जितने लोगों से आपकी राय ली, सुनी, कभी न्यूज़ में काम पड़ा, आपके पास गए, हमेशा आपने वेलकम किया, आपके बारे में हर बंदे ने अच्छी राय दी। अल्लाह आपको इसी तरह खुशी।